मालगी प्रबोधिनी में जब भी आता हूं बहुत खुशी होती है। पंडित दीनदयाल जी के समय से लेकर के और ये कल्पना रही कि कुछ लोग कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, कैसा होगा क्या होगा ये नहीं सोचते थे, लेकिन प्रशिक्षण के बिना हमने जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने का संकल्प किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसे जन्म दिया है, वह प्रशिक्षण के बिना जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकती। ये तब से लेकर के पंडित दीनदयाल जी और बाकी जितने सब सहयोगी थे सबसे बात करते थे, जिसका अर्थ है कि चाहे मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये राष्ट्र की कुछ उन्नति करने का कार्य, वह यात्रा तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले आरंभ हुई। एक प्रकार से मुझे कोई पूछता है कि भाई आज आप जो कुछ कर रहे हैं वह कैसे आरंभ हुआ, तो मैं उनको कहता हूं कि एक टेनिस कोर्ट पर आरंभ हुआ। वो कहते क्या मतलब, मैंने कहा मैं तो हाई स्कूल पास करके और कॉलेज में प्रवेश करने वाला था तो टेनिस खेलता था, एक टेनिस कोर्ट में खेलते खेलते सामने जो खेल रहा था मेरे खिलाफ, नाम मैं आज भी जानता हूं उनका, मुरली मुखी, अभी पता नहीं जीवित है कि नहीं है, मुंबई में वाले लोग बता सकते हैं, लेकिन वो बीच में छोड़ करके जाने लगा। मैंने कहा कि भाई सेट तो पूरा करो, ऐसे कहाँ जा रहे हो, कहा नहीं मैं शाखा में जाता हूँ और मेरा मैं देर से नहीं पहुँच सकता। उन्होंने कहा कि आप भी चलिए, मैंने कहा मैं समझूंगा आपसे बात करूंगा फिर कभी चलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए आज भैया जी जोशी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने जब इस बात का अपनी बात का आरंभ इस बात से किया कि यह जो रामबाहु महलगी प्रबोधिनी है वह जिस क्षेत्र में है उसको केशव सृष्टि कहते हैं, अर्थात कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उनके नाम से है यह सारा का सारा जो प्रांगण है। और हमारी हम अगर आज भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं या उससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में जब डॉक्टर मुखर्जी ने एक संगठन की स्थापना की उसमें उससे हम जुड़े, वो दीनदयाल जी जुड़े, वाजपेयी जी जुड़े, ऐसे कई लोग जुड़े, तो मैं उसको तो राजनीतिक यात्रा मानता हूं। लेकिन जीवन में राष्ट्र को महान बनाने की जो यात्रा है वह तो मैं हमेशा कहता हूं 14 वर्ष की आयु में शुरू हुई जब मैंने उस टेनिस के इसका नाम सुना कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन होता है और जिसमें प्रतिदिन जाकर के और शाखा में जाकर के और कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसका समर्पण का भाव कैसा होना चाहिए, उसकी भावना कितनी निस्वार्थपूर्ण होनी चाहिए, इसको शिक्षा ये प्राप्त किया। ये वर्ष जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उनको एक आध्यात्म के क्षेत्र में एक दिग्गज माना जाता है, बहुत सारे लोग उन्हें धार्मिक नेता ही मानते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसका उदाहरण दिया करता हूं
कि एक बार पश्चिम की यात्रा करके वो लौटे भारत में, तो वो उन दिनों में कोई हवाई जहाज वगैरह नहीं थे, वो तो सब स्टीमर से ही आते थे, तो वो आकर के और मद्रास में उतरे, उस समय चेन्नई नहीं कहलाता था, मद्रास कहलाता था, और उनके सम्मान में वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने एक भव्य आयोजन किया था, एक ऑडिटोरियम में, एक बड़े हॉल में, और उस हॉल में उन्होंने, लोग आए थे उनकी वेदांत के बारे में कोई प्रवचन सुनने, हिंदू धर्म की व्याख्या समझने, लेकिन उन्होंने अपने उस भाषण में बल इस बात पर दिया, कहा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मैं आपको बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि जिन देवी देवताओं की आप आराधना करते हैं उनको आने वाले 50 सालों के लिए सोने दे और एक ही देवी को जागृत रखे, और वह देवी है भारत माता। मैं जब ये भाषण पढ़ता था तो उस समय मुझे याद आश्चर्य लगता था कि वो यह 1897 में बोल रहे थे, 1897 में यात्रा करके जब चेन्नई लौटे, मद्रास जिसको कहते थे उन दिनों में, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 50 सालों के लिए, कैसी दृष्टि थी, 1897 में आप 50 जोड़िए तो 1947 होता है, कि ये 50 साल आप बाकी देवी देवताओं को सोने दे और एक भारत माता देवी को जागृत रखे। और उनका उनका जीवन बहुत छोटा था, उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई 40 वर्ष की आयु देखूंगा, ये उन्होंने लिखा है, और उसमें उन्होंने एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 39, 39 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। और आखिर के जो उनके कुछ वाक्य थे उनमें एक वाक्य था कि विश्व भर में मैं जो घूमा हूं और विश्व के लोगों को मैंने भारत के तत्व ज्ञान के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में जो जो कुछ बताया है, उसके आधार पर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि विश्व भर में आज हिंदुइज्म का और भारत का आदर होता है। बहुत उसको, बहुत व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क बहुत लोगों से आया, सब लोग वैसी कोई आलोचना या निंदा नहीं करते जैसी सहज रूप से बहुत सारे ईसाई मिशनरीज करते हैं, कोई नहीं करता, और सब उसका आदर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त नहीं है, जरूरत इस बात की है भारत को, देश को और हिंदुइज्म को भी, कि जो उसका प्रतिपादन करना चाहें, देश को आगे बढ़ाना चाहें, तो वहां पर लोग जो है ना, मेन शुड बी मेन विथ अ कैपिटल एम, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म, ये सब गुण उनमें होने चाहिए, सेल्फलेसनेस, अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन, मेन विथ अ कैपिटल एम। मैं मानता हूं कि ये जो प्रयत्न सारा कर रहे हैं विनय जी और रविंद्र जी, ये सारा जो है वो केवल मात्र प्रशिक्षण इंटेलेक्चुअल लेवल का देने के लिए नहीं है, प्रशिक्षण केवल इतिहास का देने के लिए नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण इस दृष्टि से भी है कि लोग जिसको कहें अच्छे बने, बढ़िया बने, रोल मॉडल्स बने सारे देश के लिए, रोल मॉडल्स बने अपने अपने क्षेत्र के लिए जहां पर भी कोई व्यक्ति काम करता है। और मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे आज जितनी खुशी हुई है यहां आने में, उससे ज्यादा खुशी हुई है हमारे जिन लोगों ने इसको खड़ा किया है और इसको ताकत दी है, उन लोगों से मिलने का। अब सबसे पहले मैंने सम्मान किया तो सुधाकर राजे का, तो मैं
सुधाकर राजे के साथ मैंने मिलकर के काम किया है और आज उनकी आयु 88 हो गई और मैंने उनको कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझे तो आशीर्वाद दे सकते हैं आप। और आप जैसे अटल जी मुझसे 3 साल बड़े हैं, वैसे ये भी 3 साल बड़े हैं। लेकिन मुझे सालों बाद मिले आज, मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए नंदगांव करके भी बहुत समय बाद मिले, सालों हो गए होंगे इनको भी कुछ। लेकिन इन सबको मिलकर के और इनका सम्मान करना, ये जो कार्य किया आज मालगी प्रबोधिनी, उसके कारण मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। हाँ, रामभाव मालगी तो मेरे साथ ही थे, वो तो पार्लियामेंट में थे और जब ये निर्णय हुआ तो स्पीकर साहब खुशी से आए, उन्होंने कहा जरूर चलूंगा, चलिए। और वह हम गए, जब इसकी नींव डाली गई, स्थान बदल दिया बाद में, कोई बात नहीं, यहाँ आ गया, वो केशव सृष्टि में आ गया, ये और भी अच्छा हुआ। क्योंकि फिर उसके साथ जितने सारे संबंध हैं वो सहज स्वाभाविक हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मुझे कई बार याद आता है, शायद मैंने यहां पर भी एक बार सुनाया होगा किसी न किसी वर्ग में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में और वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष बने और 3 दिन का कार्यक्रम था, मुंबई में ही था, और शायद पहले दिन या दूसरे दिन शाम को एक कवि सम्मेलन था और उस कवि सम्मेलन में एक हास्यरस कवि था जिसने एक सुनाई थी कविता, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां मैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी सारी प्रशिक्षण वर्ग की होती हैं बातें वहां जरूर उल्लेख करता हूं कि भाई राजनीतिक लोगों के लिए जो तिरस्कार की और अनादर की भावना है उसका एक नमूना था वो कवि का, कवि की वो कविता कि जिसमें उन्होंने कहा कि नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। उन्होंने कहा आगे कि ये कार है सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी, अर्थात कि ये जो सारे राजनीति में काम करते हैं सरकार में भी पहुंच जाते हैं, एमपी एमएलए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब बन जाते हैं, वो उनको बताया एक प्रकार से वो तो सरकार चलाते हैं, तो सरकार तो भगवान भरोसे चलती है, ये कार भगवान भरोसे नहीं चलेगी, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, इसके लिए लाइसेंस चाहिए, इसीलिए सावधानी चाहिए, सतर्कता चाहिए, पूरी देर चाहिए। तो ये जो ड्राइवर ने कहा वो हमारे लिए शिक्षा है कि हमारे बारे में धारणा अगर ये होगी, और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो शुरू से लेकर के उनके सारे रवैये में, व्यवहार में, व्याख्यान में ऐसा लगता था कि वो शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की कल्पना उन्होंने की, एकात्म मानववाद, और 3 दिन 4 दिन का 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए मुझे याद है कि ग्वालियर में एक वर्ग हुआ था, प्रशिक्षण वर्ग हुआ था, उस वर्ग में उन्होंने पहली बार उसका और प्रतिपादन किया, और आगे चल करके विजयवाड़ा का एक राष्ट्रीय बड़ा अधिवेशन था, उस अधिवेशन में उसको व्यवहारिक रूप से और कैसा स्वरूप होगा उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अडॉप्ट किया पार्टी ने एज इट्स फिलोसफी। ये सारा जो चिंतन है और ये सारा जो अप्रोच है उसके कारण हम सब के स्वभाव में आ गया कि भाई हर चीज के लिए ठीक प्रकार का शिक्षण होना चाहिए। और आज जो जहां पहुंचे हैं हम वो इसी कारण हुआ है। आज जिस प्रकार से यहां पर सब लोग आए हैं, मैं पूछ रहा था अभी कि भाई इस ये हॉल बाद में बना था, बाकी सारा पहले था बहुत कुछ, तो ये हॉल जब बना था तो वाजपेयी जी ने आकर के उद्घाटन किया था, वो यहां पर वो लिखा हुआ है उधर। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से एक संस्थान का निर्माण होना चाहिए और वो लगातार
प्रगति करता जाए, इंप्रूव होता जाए, उसका विस्तार होता जाए। मैं आज आते आते एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसका नाम था अडेप्ट, जिसमें लिखा है, बल इस बात पर दिया है कि उसमें गलतियां होती हैं तो वो गलतियां जो है वो सहायक होती हैं आगे के लिए, और उसके कारण व्यक्ति वो गलतियां ठीक करता है और उसके कारण अडेप्ट करता है। एंड अडेप्टेशन इज इन अ वे अनदर वर्ड फॉर एवोल्यूशन। कोई भी इवॉल्व कैसे होती है चीज, वो अडेप्टेशन से होती है। गलतियां निकाल देना और सुधार करते जाना। और उसका शुरू जो एग्जाम्पल पहला दिया है, वो कहता है कि एक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, उसको बनाने के लिए कितने हिस्से, क्या क्या कुछ लगता है। और उसने कहा कि उसको एक विद्यार्थी ने टोस्टर के टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे हिस्से करके, और देखा कि उसमें करीब 3000 अंग है, और वो 3000 अगर वानों वो स्वयं करना चाहे तो उसको जीवन भर लग जाएगा एक इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाने में। एंड इट्स एन इन्वेंशन विच केम एनीवेयर बिटवीन, उसने कहा कि 19 सेंचुरी के अंत में आई और वो टोस्टर बन गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर। अगर अकेला वो बनाने की कोशिश करे तो ऐसा टोस्टर बनेगा जिससे शायद उसी को शॉक लग करके वो मर जाए, और कितनी दिक्कत होगी इसका पूरा वर्णन है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि इस प्रकार के संस्थान जो भी बनते हैं, इंस्टीट्यूशन जो बनते हैं, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है, बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इसीलिए जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उनका आज यहां पर सम्मान करके हमने एक प्रकार से इस संस्थान का सम्मान किया जिसने बहुत बड़ा कार्य कम से कम हमारी राजनीति के लिए किया है। यह 21वीं शताब्दी है। अधिकांश लोग जिनके कारण 20वीं शताब्दी में हमको आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, वे अब नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हम सोचते थे कि यह देश जो है दुनिया के देशों की प्रथम पंक्ति तक पहुंच जाएगा जल्दी से जल्दी, और किसी को ऐसा नहीं लगता था। हम तो कम से कम नहीं जानते थे, मैंने स्वतंत्रता से पहले के 20 साल देखे खाली, 27 में जन्म हुआ, 47 में आजादी मिल गई, तो कभी नहीं सोचा था कि हमको भारत को दुनिया के देशों में प्रथम स्थान दिलवाना, उसमें 21वीं शताब्दी तक पहुंचना पड़ेगा, 20वीं शताब्दी में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो उसमें कसर कोई रही तो ज्यादा जिस प्रकार के व्यक्ति चाहिए थे उनकी कसर रही, और वो काम संघ कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो सारा कार्य है उसमें जोड़ करके ये संस्थान करते रहेंगे जो ये कर रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम आज जब ये 30 वर्ष पूरे हुए हैं और 30 वर्ष के बाद हम ये मना रहे हैं ये कार्यक्रम, तो ये संकल्प हम सबके मन में होना चाहिए कि 20वीं शताब्दी में जो हम नहीं कर सके 21वीं शताब्दी के बारे में हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम जहां पर भी काम करते हों उस क्षेत्र में इस ऐसा कोई बात हम हमारे हाथ से ना हो, हम ऐसी कोई कमी न छोड़े कि जिनके कारण यह कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में दुनिया भर के लोग मानने लगे कि 20वीं शताब्दी होगी पश्चिम की शताब्दी, 20वीं शताब्दी होगी इंग्लैंड की और अमेरिका की और रूस की शताब्दी, लेकिन 21वीं शताब्दी अगर किसी देश की है तो भारत की है। ये हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य की पूर्ति में मुझे विश्वास है कि महलगी प्रबोधिनी कि जिन्होंने एक आदर्श सांसद को हमारे सामने रखा, उस वह महलगी प्रबोधिनी भी अपना पूरा योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।